और नमस्कार दोस्तों, फिर से आज ही को अभी एक सेटअप आप लोग को देखने को मिला और एक सेटअप जो फिट होने वाला है उधर 600 1000 यानी 315 डबल 15, तो उनका सेटअप आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मिलते हैं, किसका सेटअप है, क्या नाम है आपका बता दीजिए। प्रेमेंद्र सिंह। प्रेमेंद्र सिंह झारग्राम द्रिहंडी यानी झारग्राम थे के झारग्राम जारा आछे। तुम्हारा ये वीडियो रा जारा देख छो, तुम्हारा ओखने जाए बुकिंग करते पारो। एड्रेस था दादा बोले दो, तुम्हारा गायन नाम द्रिहंडी झारग्राम। तो जारा ही सामने आछो, तुम्हारा ये वीडियोर माध्यमे तुम्ही ए सिस्टम जादेर आछे ओई गायर मध्ये जाए देखते पारो। और बाकी देखा तुम्हारा के की आछे इनार सिस्टम दिए रेडी होछे कतटा पावरफुल, बाकी टोटल वीडियो ते देखा ची। पूरा वीडियो को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि हिंदी लगभग सबको समझते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो आपका हिंदी नहीं समझते, सॉरी बांग्ला नहीं समझते, तो हिंदी में ही सारा वीडियो इनका रहेगा। और इधर आपका 600 वाट जो कलर चेंज हुआ है डबल 15 में 600 वाट। थोड़ा सा स्पीकर को दिखाओ, ये स्पीकर का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, 600 वाट है और 1200 वाट इसका पीक पावर, 600 वाट है और 1200 वाट पीक पावर है। पावर मैक्स 4 इंची अभी इन आउट में दे रहा है कोयल कंपनी, पहले सिंगल में देता था, अभी इन आउट डबल कोयल जो बाइंडिंग रहता है। और इनका एम्पलीफायर वगैरह सारा चीज़ दिखाएंगे। और इधर जो आपका ऑडियो टोन का 1000 वाट, इधर है इनका 315 जो उससे पहले वाला सिस्टम है उनका, ये ट्यूटर फिटिंग। और जो इस साल का सबसे ज्यादा सेलिंग में आपका 315 देख सकते हैं, इसमें 1000 वाट लगेगा, डबल 15 में 600 वाट लगेगा। अपना दूसरा टीम और इधर कार में ऑडियो टोन का 1000 वाट, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। इधर सामने इधर स्क्रू सिस्टम है और इसका अपना लोगो लेयर आपका काफ़ी गड्ढा गड्ढा यानी इसमें बेस का क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और इधर आपको स्पीकर का पीछे दिखाते हैं कितना वाट का है, ये आप मैग्नेट साइज देख सकते हैं। इधर 4 इंची कोयल 1000 वाट, 2000 तक का आपका इसका पीक पावर, पावर मैक्स हीट सिंक, वो बड़ा हीट सिंक के साथ है। और इसका साइज वगैरह देख सकते हैं, अपना ऑडियो टोन का पंचिंग, और इधर आपका जो दासका का 4.2, इससे खूबी क्या है, एक तो ये आपका स्टेंजर का रेट में अभी मतलब जिस समय आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जिस समय वीडियो छोड़ा हुआ है उस समय का रेट के हिसाब से बाद में रेट बढ़ेगा क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये क्लास एच का है। और क्लास एच का खुद ही ये अच्छी चीज़ है कि कल दिन अगर इसके साथ वो एमटी या क्लास डी का एम्पलीफायर लगाएगा तो उस समय अगला को सुविधा होगा। लेकिन जैसे स्टेंजर जैसे ले लेते तो स्टेंजर का ये है कि जो स्टेंजर चला रहे तो फिर उसको स्टेंजर में ही सेकेंड ऑप्शन में रखना होगा। जैसे 2 ओम्स का अगर लोड पे ज़्यादा स्टेबल देखा जाए तो स्टेंजर है, लेकिन अगर 4 ओम्स पे कोई सिस्टम बजा रहे हैं 4 ओम्स या 2.6 में तो आप इसमें जा सकते हैं, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। अगर पहले से किसी के पास स्टेंजर है तो उसको स्टेंजर में ही जाना होगा, और कोई नया है अगर ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन में ये एम्पलीफायर में जा सकता है। जो भी MT-1601 या जो भी जितना भी एच क्लास का जितना भी कंपोनेंट लगता है इसके एम्पलीफायर के अंदर, इसमें भी वही सारा चीज़ यूज हुआ है। हालांकि इसको प्रोटेक्शन वगैरह इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे हम लोग टेस्टिंग करेंगे आज भी देखेंगे शॉर्ट उठ करके प्लस ओवर साउंड खोल के, तो उस समय आपको नज़र में आ जाएगा। ऊपर से आपका 4-4 फैन यूज हुआ है आगे तो, और इधर आपका पीछे 2,
यानी धूप को ध्यान देते हुए, जैसे रफ्यूज लंबा समय के लिए जब यूज़ होगा तो उस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सिंगल फैन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाई चांस डीजी उजी का हवा या तो धुआं अगर लगता है तो उस समय ज़्यादा गर्म होता है, जैसे खास करके दिन का समय का रोड शो में। इधर अपना सैमकॉन का सारा कैंडल, सैमकॉन और पीपीएक्स का, इसका आइए पहले सेटिंग देखते हैं। ओके है, ओके। इधर जो चार पीस 600 वाट ऑडियो टोन का, इधर आपका आहूजा का 1000 ट्यूटर के लिए, बजट में ये मिक्सर काफ़ी अच्छा है। इसका सेटिंग फिर से आप लोग को बता देते हैं, गेन को इतना, ट्रैवल को इतना, मिड को आधा से थोड़ा सा कम, बेस को थोड़ा सा ज़्यादा, पेन को बीच में, एफएक्स को बंद रखते हैं ताकि इसमें हमको कोई इको वगैरह नहीं चाहिए, तो ये एफएक्स वाला जितना भी है उसको बंद रखते हैं। सिर्फ ध्यान देना इसमें मोबाइल जैक, ये वाला सीरियल को ध्यान देना है, और ये मास्टर वॉल्यूम को फुल से थोड़ा सा कम, बाकी गाना के ज़रूरत के हिसाब से उसको उठाएंगे, एम्पलीफायर का रीडिंग को ध्यान देके। इधर आपका बेस पूरा जीरो कर देना है, ट्रेवल पूरा फुल से थोड़ा सा कम, इधर बॉक्स के साइड करना है क्योंकि इसमें किट लगा हुआ रहता है, ये ज़रूरत के हिसाब से इसमें आपको लाल सटाना नहीं है, इसमें हल्का हल्का पीक आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। एम्पलीफायर में कोई भी चीज़ अगर इसको प्रॉब्लम लगेगा तो आपका ये प्रोटेक्ट में चला जाएगा, यानी एम्पलीफायर अपने आप वो बंद करके रख लेगा, उसके बाद आप ध्यान जब दीजिएगा तभी वो, उसको ठीक करने के बाद ही फिर से वो चालू होगा। इसको पूरा फुल डिस्ट्रीब्यूटर को और उससे थोड़ा सा कम 95% में आपको करके छोड़ देना है, हर गाना में इसको चेंज करना है। ये मोबाइल जैक या मेन आउट से ये आपका चल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का पीछे, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर सब मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी सबको भाग कर देता है। और बाकी उधर पीछे आपका फिट हो रहा है, उधर फिर देखिएगा, और इधर लगभग प्लेन जाली में है, और इधर भी लगभग फिट हो चुका है, और इधर अपने एंटीक सिल्वर हंटेड ब्लैक कलर, इधर 100 ब्लैक का लुक, 315 15 इसका वायरिंग भी देख सकते हैं। और इसमें पहले वोल्टेज देखते हैं, इधर इसको नीचे, लाल लाल ऑटो
से मिलते हैं 4:15 का 2 पीस। और कौन जाएगा जब घुमा दे ओल्डी এটা কোথায় পড়ে ঝালদালে 7 কিলোমিটার আগে ঝালদালে 7 কিলোমিটার আগে লে আছে তোমার কাছে ডিজে আরো না বাস আরো আপডেট করছো না ঠিক আছে বাকি কে লায়ন জালি 2 পিসে ওটা একটা ফিটিং इधर आप एक सेटअप इधर एक सेटअप और एक सेटअप आज देखने को मिलेगा अभी जो इधर आपका 4 पीस 15 हो रहा है उधर पीछे तो उनका ओनर से मिलते हैं और आप लोग को भी मिलाते हैं कि कहाँ से हैं नाम बता दीजिए अपना गुरुचरण मुंडा आपका एड्रेस लंड्रा तमार ये तमार में पड़ता है ना तो तमार से जो भी सामने में है तो इनका सेटअप अगर बुक करने का रहेगा तो ये भैया अपना एड्रेस आप लोग को बता दिए वहाँ पर जाके सिस्टम देख भी सकते हैं और इनका जो सिस्टम है इधर आपका फिट हो रहा है अभी जो हैवी सेटअप में हाफ सेट फिट हो रहा है फिर अगर इनके पास पहले से है क्या नहीं है भैया पहले से नहीं, नहीं है मतलब ये शुरुआती हो रहा है इनका तो शुरुआती में अभी हज़ार वाट में दिखा रहे और फिर इनके पास अभी छोटा सेटअप जिसको बुक करने का रहेगा तो ये कर सकते हैं उसके बाद जब हैवी सेटअप करने का रहेगा तो जब इनका पूरा हो जाएगा और भी तब वो हैवी सेटअप भी बुक कर सकते हैं और इसका टेस्टिंग भी आप लोग को सुनाएंगे ये भी आपका 10.4.2 से ही होने वाला है जो अभी थोड़ा देर पहले वो वाला सेटअप बजा
थोड़ा सा इनको संभल के बजाना होगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है एम्पलीफायर में। और इधर लगभग जो डबल और इधर लगभग जो इनका डबल पंद्रह ये चार पंद्रह इधर हो चुका है और इधर डबल पंद्रह जो चार पीस 1000 वाट के साथ फिर से 10 का 4.2 मिक्सर का सेटिंग आप रखो सीट बेल्ट ऑन एंड गेट रेडी फॉर टेक ऑफ चेक टेक ऑफ और फिर से डबल पंद्रह चार पीस आपका नॉर्मल जाली में 1000 वाट के साथ। चलिए बोलते हैं इनसे, बोले दाओ तुम्हार नाम था आज सामने थे के बोले दा एम के साउंड हुसीर थे के ना। अच्छा हुसीर झालना ना कौन जगह बागमुंडी का है ना। अच्छा काली माटी थे के ठीक है। जैसे दिखा रहे हैं आपका चार पीस है डबल पंद्रह जो 1000 वाट का स्पीकर में है। उधर और एक सेटअप आपका फिट हो रहा है, इधर फिट हो रहा है और इधर साउंड टेस्टिंग हो रहा है। और इधर अभी एक साइड में यानी 4 ओम्स पे 2 एम्पलीफायर को चला रहे थे, यानी 2 मशीन में 4 बॉक्स यानी 8 स्पीकर। अभी 2 मशीन में जैसे स्टेंजर में देते 16 स्पीकर, तो 16 स्पीकर का भी अभी टेस्टिंग देखते हैं। इससे पहले 16 स्पीकर का आपका किए हैं जो 600 वाट में, तो 600 वाट में एम्पलीफायर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लेकिन सबसे हैवी वाटेज जिसमें MT-16-0 6000 वाट का भी मशीन जवाब दे देता है, उस जगह में अभी इसको 4.2 को चेक करते हैं। अगर ये टेस्टिंग पास हो गया तो ये समझ लीजिए आने वाला समय के लिए और पावरफुल क्लास एच में सबसे अच्छा एम्पलीफायर हो जाएगा। तो इधर लगभग फिट हो चुका है लेकिन अभी ट्यूटर कम है, इसमें 4 पीस ट्यूटर है तो थोड़ा सा आवाज़ का कहीं ना कहीं कमी होगा। चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं, शुरू करो, इसको चालू होने दो। जैसे ही चालू होता है ये प्रोटेक्ट मोड में चालू होता है, पहले रेड लाइट और उसके बाद ऑटोमेटिक वो लाल लाइट हट जाएगा, उसके बाद ही आपको मशीन को साउंड खोलना है मिक्सर से। हट गया, अब वॉल्यूम को एक एक करके उठाओ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर देंगे, इसमें बढ़ाओ यहाँ पहले करो। अच्छा गाना वहाँ और अभी 2 ओम्स पे चेक हो रहा है 10 का 4.2 का।
प्रभी आज का जो लास्ट है उससे मिलते हैं। आइए थोड़ा सा अपना व्यूअर्स को बता दीजिए। इधर इनका दो कैबिनेट है, इनका अपना स्पीकर था, अभी वो फिट हुआ, थोड़ा सा टेस्टिंग करेंगे क्या रिस्पॉन्स नहीं है। दो पीस में तो उतना कोई खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन भैया से पूछ लेते हैं कहाँ घर हुआ आपका, बता दीजिए आपका व्यूअर्स को। भैया जी शर्मा रहे हैं, गुमला जिला बसिया। गुमला बसिया से ना जी। क्या डीजे का नाम है आपका? गोपाल डीजे। गोपाल डीजे ना। अभी जैसे इनका पहले से कैबिनेट था दूसरा, अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं हम लोग का भी कैबिनेट ले जाके, और अभी आज का समझ लीजिए यही लास्ट वीडियो है, बाकी आपको फिर बाद में नया वीडियो और मिलेगा। बाय बाय दोस्तों। और इधर फाइनली एक पीस का टेस्टिंग हो चुका है, और इधर लास्ट में एक टेस्ट होने के बाद और दो पीस, यानी टोटल चार पीस यहाँ पर जा रहे हैं, साथ में ट्यूटर भी। काफ़ी रात हो चुका है, ठंडा भी दे रहा है।